हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी लोगों को नो इन शॉर्ट के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूं JioFi 6 राउटर डिवाइस का। दोस्तों, अगर आप ऐसे एक डिवाइस के खोज में हैं जिसको आप इजीली कहीं भी कैरी कर पाएं और अपने मल्टीपल डिवाइस जैसे लैपटॉप स्मार्टफोन को कनेक्ट कर पाएं, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस डिवाइस के साथ आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाता है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करूंगा। तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए, अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले इस डिवाइस को मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। ये है इसका बॉक्स, बहुत ही प्यारा सा बॉक्स है, एक रेड कलर के बॉक्स में आता है। इसके ऊपर आपको जियो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है और बॉक्स के ऊपर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि एक साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे जो इसका प्राइस है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे जो प्रिंटेड प्राइस है वो है 2499। हालांकि ये डिवाइस आपको बिलो 1000 रुपीस आराम से मिल जाता है। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हो। और अभी जल्दी से इस बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। और बॉक्स को जैसे ही मैं ओपन करूँगा, सबसे ऊपर मुझे मिल जाता है इसका चार्जर, ये है अडेप्टर, ओके। और इसके साथ मुझे एक USB केबल मिल जाता है, जिसका एक तरफ मैं डिवाइस में कनेक्ट कर सकता हूँ और दूसरी तरफ मैं इस अडेप्टर के साथ कनेक्ट करके इसको चार्ज कर सकता हूँ। और इस USB पोर्ट को मैं डायरेक्टली अपने लैपटॉप या PC के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ और इस डिवाइस को यूज़ करते करते मैं चार्ज कर सकता हूँ। तो इस डिवाइस के साथ आपको बहुत ही पावरफुल बैटरी मिल जाता है। इस डिवाइस के बैटरी के बारे में वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। उसके साथ ही यहाँ पे मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स मिल जाता है, जहाँ पे इस डिवाइस को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं या फिर इस डिवाइस को आपके लैपटॉप या स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। इस डिवाइस को आपको इंस्टॉलेशन नहीं करना होगा। आप जो राउटर्स घर में लगाते हो उसमें आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन इस डिवाइस के साथ आपको ऐसा कुछ इंस्टॉलेशन नहीं करना है। इस डिवाइस के पीछे आपको SSID एंड पासवर्ड मिल जाएगा, उसके मदद से इस डिवाइस को सिंपली आप अपने स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे मुझे मेन डिवाइस मिल जाता है, ये देखिए, काफ़ी प्यारा सा डिवाइस है, ब्लैक कलर में। और इसके ऊपर आपको जियो का ब्रांडिंग मिल जाता है ग्लॉसी फिनिश में। इस डिवाइस में आपको दो ही फिजिकल बटन मिलता है, एक है पावर बटन और दूसरा है WPS। और इसी के साथ यहाँ पे तीन इंडिकेटर्स मिल जाता है, एक बैटरी स्टेटस बताता है, दूसरा आपका कनेक्टिविटी स्टेटस और तीसरा आपका वाईफाई स्ट्रेंथ बताता है। और ये जो LED इंडिकेटर्स हैं वो तीन कलर्स में जलता है, रेड कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर। बैटरी कम होगा या फिर सिग्नल अगर वीक होगा तब जो कलर होगा वो रेड होगा, और अदरवाइज अगर अच्छा कनेक्टिविटी होगा और अच्छा बैटरी चार्ज रहेगा तो ये ग्रीन कलर में जलेगा। तो इस डिवाइस को आप पीछे की तरफ से इस तरह से ओपन कर सकते हैं। मैं डिवाइस को ओपन कर लेता हूं और पीछे की तरफ इस तरह से आपको बैटरी मिल जाता है। पूरा पीछे का हिस्सा लगभग बैटरी से भरा हुआ है, तो इस डिवाइस के हिसाब से काफ़ी बड़ा बैटरी है। और ये बैटरी 3000 mAh का है, जो कि 3.5 आवर्स में कंप्लीट चार्ज हो जाता है, ओके। और इसको आप कंटिन्यूसली 8 to 9 आवर्स तक यूज़ कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और बैटरी को जैसे मैं निकालूंगा, इसके अंदर आपको SSID एंड जो पासवर्ड है वो मिल जाता है। तो जैसे ही आप इसको ऑन करोगे, ऑन करने के बाद जब अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन में आप वाईफाई को ऑन करोगे तो वहाँ पे आपको ये SSID देखने को मिलेगा, और उसको कनेक्ट करते ही, ये जो पासवर्ड है वहाँ पे एंटर करते ही, ये डिवाइस आपके स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप इंटरनेट यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक SD कार्ड स्लॉट, जहाँ पे आप 64 GB तक SD कार्ड यूज़ कर सकते हो, मतलब कि इस डिवाइस को आप डेटा कैरी करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ओके। और दूसरी तरफ आपको सिम कार्ड डालना है, तो मैं यहाँ पे एक सिम कार्ड डाल के दिखा देता हूँ, ये देखिए जियो का। और उसके बाद आप जब इसको ऑन करोगे तो ये रेडी फॉर यूज़ हो चुका है। कंपनी के मुताबिक ये डिवाइस 150 Mbps तक स्पीड दे देती है, लेकिन जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो इतना स्पीड का नहीं है। हालांकि एक डिसेंट स्पीड इस डिवाइस के साथ आपको मिल जाता है, और आप नॉर्मल अगर टास्क के लिए इस डिवाइस को यूज़ कर तो डेफिनेटली आप आराम से इस डिवाइस को यूज़ कर पाओगे, लेकिन हैवी यूजर्स जैसे आपको मूवी डाउनलोड करना है तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉम्पेटिबिलिटी के बारे में बात करूँ तो इस डिवाइस के साथ XP, Vista, Windows 7, 8, Windows 10, Mac OS, Linux, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्पेटिबल है, इसीलिए आप अक्रॉस ऑल डिवाइस जो राउटर है उसको यूज़ कर पाओगे। और ये डिवाइस
तीन अलग अलग बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है, 2300, 1800, 850 मेगाहर्ट्ज। तो काफ़ी अच्छा डिवाइस मैं मानूंगा। और एक ही साथ इस डिवाइस के साथ आप 10 वाईफाई एनेबल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऐसे किसी जॉब में हो या फिर प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपको ज़्यादा मूव करना पड़ता है या फिर आप हॉलीडेज वगैरह में ज़्यादा जाते हो तो इस डिवाइस को आप डेफिनेटली प्रीफर करें, क्योंकि इसको यूज़ करके आप पूरे फैमिली मेंबर्स को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करा सकते हो। तो कुल मिला के अगर इस डिवाइस के मेन फीचर्स के बारे में बात करूं तो इस डिवाइस के साथ आपको ट्रू 4G स्पीड मिल जाता है, वीडियो एंड HD वॉइस कॉल मिलता है, ओके। एंड सबसे इंटरेस्टिंग जो फीचर है वो है कि आप अपने पुराने 2G या 3G स्मार्टफोन को यूज़ करके 4G डाटा यूज़ कर पाओगे। उसके अलावा इस डिवाइस के साथ आप 10 डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाओगे और इजीली इस डिवाइस को आप कैरी कर पाओगे। लेकिन अगर आप इस डिवाइस को घर में यूज़ करना चाहते हैं और आपने जो एग्जिस्टिंग जो राउटर है उसको रिप्लेस करके इस डिवाइस को यूज़ करना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि ये एक अच्छा चॉइस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड मिलेगा वो फ्लक्चुएट करता रहेगा और आपको एक कॉन्स्टेंट स्पीड नहीं मिलेगा। हालाँकि अगर आप ऑन द मूव जॉब में हो तो ये डिवाइस काफ़ी अच्छी एक ऑप्शन हो सकती है। जैसे ही आप इस डिवाइस को अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करोगे, ये देखिए यहाँ पे मैनेज राउटर का एक ऑप्शन है, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपके ब्राउजर में इस तरह से ओपन हो जाएगा। जिस तरह से नॉर्मल राउटर को आप कॉन्फ़िगर करते हो उसी तरह से आप इस डिवाइस को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके साथ मिल जाएगा। सबसे पहला है LTE स्टेटस, ओके, जहाँ पे आपको कनेक्टेड स्टेटस मिलता है, ऑपरेटिंग बैंड मिल जाता है, बैंडविड्थ, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आपको LAN इन्फो मिल जाता है, जहाँ पे आपको सबनेट मार्क्स, IP एड्रेस, ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। WAN इन्फो मिलता है, डिवाइस डिटेल्स आपको मिल जाता है यहाँ पे, कौन कौन से डिवाइस इसके साथ कनेक्टेड है, ओके। ओवरऑल एक बहुत ही डिसेंट सा डिवाइस है, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि इसको आप एक एड ऑन गैजेट की तरह डेफिनेटली यूज़ कर पाओगे। अगर इस डिवाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में है या फिर आप किसी भी चीज़ के बारे में आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी, यूज़फुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।